तो आज की वीडियो में एक धमाकेदार अपडेट लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। वो है पिंक विला की तरफ से एक आर्टिकल आया है, वो आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अक्षय कुमार और सिद्धार्थ आनंद एक साथ आ रहे हैं एक बड़ी एक्शन मूवी के लिए। दोनों के दोनों जो है मतलब आ रहे हैं, अब कुछ धमाका होगा। और डायरेक्टर भी मैं आपको बता देता हूँ, मिलन लुथरिया मतलब ये जो है नाम है उनका। आप जो है जाकर चेकआउट कर सकते हो उनके बारे में इन डिटेल। पर मैं एक चीज़ कहूँगा, जो इस मूवी के बारे में कही जा रही है, सारी चीज़ें जो बताई जा रही है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बताई जा रही है। कि अक्षय कुमार को जो है स्क्रिप्ट पहले थोड़ा सा ये था कि मतलब उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ था, पर जो है स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है। और जो रजत अरोरा और मिलन मतलब दोनों ही जो है मतलब एक सेट पूरा जो है इन्होंने तैयार कर लिया है इस मूवी के लिए, जो है धमाकेदार होने वाली है मूवी। एक्शन अक्षय कुमार सर के साथ जो है कोलैबोरेशन करने जा रहे सिद्धार्थ आनंद, तो भाई धमाका तो अब होगा। अब इसी का वेट जो है हम कर रहे थे और ये होने जा रहा है। और जैसा कि अक्षय कुमार सर ने पिंक विला के साथ जो इंटरव्यू आया था उसमें कहा भी था कि नेक्स्ट ईयर से जो है मतलब इसकी शूटिंग जो है स्टार्ट होगी, नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में जो है इसकी शूटिंग जो है स्टार्ट होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है वही ये मूवी है जिसकी अक्षय कुमार सर बता रहे थे कि ये वाली जो है करने वाले। और अक्षय कुमार सर को लगता भी है कि ये मूवी जो है वो रहने वाली है। अभी जो समय इस समय जो पब्लिक को चाहिए ना, उस हिसाब से अक्षय कुमार सर ने इसको सोचकर जो है इसको कंफर्म किया है नेक्स्ट ईयर इसकी शूटिंग होगी। और मुझे वही लगता है यार, एक साल के बाद 2026 तक आपको ये देखने को मिल सकती है, या 25 के एंड में, 2025 के एंड में या 26 की स्टार्टिंग में ऐसा ही कुछ जो है आपको ये एक्शन मूवी जो है देखने को मिलेगी। तो अब ये जो है हम कह सकते हैं अक्षय कुमार सर का एक नया जोन है। अब अक्षय कुमार सर वापस जो है इसको अच्छे से जो है आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आप अक्षय कुमार को देखना चाहते थे एक एक्शन अवतार में, अच्छा और सही स्क्रिप्ट के साथ एक्शन मूवी देखना चाहते थे। अब देखना यही रहेगा कि सब कुछ यार परफेक्ट जाए जो हमें चाहिए, ज़्यादा कुछ जो है ना हवा ना बनाए। ये जो डायरेक्टर जैसे आलिया अब्बास जफर ने गलती की थी, उन्होंने सब कुछ रिवील किया सेट वगैरह से, सब कुछ जो बिहाइंड द सीन थे शेयर किया, और जो है मेन बात ये थी सब कुछ बता दिया और ओवर हाइप ज़्यादा कर दिया था। तो मैं तो यही कहूँगा सिद्धार्थ आनंद ऐसी गलती ना करे। और जो डायरेक्टर है मिलन, उनको भी जो है अब मतलब जो डायरेक्टर और राइटर है मिलन और रजत, ये दोनों जो है मतलब इसमें काम करने वाले हैं मिलकर, और स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है। और अक्षय कुमार को भी लगता है जो है वो इस मूवी के लिए फिट है। और जो सिद्धार्थ आनंद है और जो डायरेक्टर है मिलन और रजत, इन सबको लगता है कि अक्षय कुमार इसके लिए फिट रहने वाले हैं, मतलब फिट इस रोल के लिए। जो फिट जो रोल के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, पर जो है बहुत धमाकेदार जो है होने वाला है एक्शन, ये सारा सब कुछ उन्होंने शेयर किया है। देखते हैं किस तरीके का उनका डायरेक्शनल रहता है इस मूवी में, किस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो ये तो जो है भाई बहुत धमाकेदार रहेगा। सिद्धार्थ और ममता अब एक साथ आ रहे हैं, वो भी न्यू कोलैबोरेशन विद खिलाड़ी अक्षय कुमार। आप सभी कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर? इसके बारे में और इन डिटेल आएगी, अपडेट्स वगैरह वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो कितने एक्साइटेड हो जरूर बताना। नेक्स्ट ईयर जो है इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, तो जैसा रहेगा शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।